जुड़े हैं ललित। बिल्कुल शुक्रिया रिनू, और लगातार अपडेट, जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा कवरेज लगातार जारी है। हर तस्वीर, हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, समीकरण बता रहे हैं, मुद्दों को लेकर बता रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, 70 रिपोर्टर हमारे मैदान में तैनात हैं 7 सीटों पर, और हर पहलू हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बालाघाट की भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको, हमने सुकमा की भी तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से नाले को पार करके पहुंच रहे थे। हमने ये भी बताया कि किस तरीके से लोग सबसे पहले मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, और बालाघाट की बात करेंगे, जहां बालाघाट में हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नजर रखी जा रही है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया और इसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वहां की सुरक्षा, वहां के ग्रामीणों की सुरक्षा, खासतौर पर जो मतदाता जा रहे हैं मतदान करने के लिए, उनकी सुरक्षा मतदान केंद्रों पर रखी जा रही है नजर। एसपी समीर सौरभ ने दौरा किया, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने भी दौरा किया है, और व्यवस्थाएं देखी जा रही है कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वोटर्स जो पहुंच रहे हैं उनके लिए, और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम, जमीन से लेकर आसमान तक सब तरफ पैनी नजर बनी हुई है। तो ये बालाघाट की तस्वीरें, बालाघाट में 3 सीट ऐसी हैं जहां पर 2 घंटा का मतदान होगा, 4 बजे तक मतदान होगा। इसमें लांजी है, बैहर है, परसवाड़ा है, मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित जिला बस्तर, लिहाजा SOP के तहत ही यहां पर सारे जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको कुछ और बेहतरीन तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, कुछ अलग अलग तस्वीरें मतदान से जुड़ी हुई, क्योंकि आज एक महापर्व है, और इस दौरान आप देखेंगे बालाघाट में, जहां पर बालाघाट में अलग अलग वर्ग जिनमें दिव्यांगजन भी शामिल हैं, व्हीलचेयर पर मतदाता पहुंच रही हैं मतदान करने के लिए, और दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों के साथ आप देखिए जो शादी का जोड़ा है, दूल्हा दुल्हन है, वो भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। बरातियों ने ढोल बजाते हुए इन सभी को मतदान सेंटर तक पहुंचाया है। और तीसरी तस्वीर है सुकमा की, जहां ट्रैक्टर के माध्यम से एक नाले को पार किया जा रहा है। तो भाई, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर में बड़ी संख्या में वोटिंग पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मतदान का अच्छा होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, बस्तर हमेशा लोकतंत्र के लिए जागरूक रहा है, बस्तर वासियों को लोकतंत्र पर विश्वास है, और उन्होंने वोटिंग के जरिए इसका परिचय दिया है। आप ये जो विषय कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, शायद ऐसा भी इसमें प्रभाव जरूर होगा, सुरक्षा बलों के वीरता के कारण भी ये मतदान का प्रतिशत बढ़ा होगा वहाँ पर, लोगों के मन में बड़ी जीत होगी, डबल मार्जिन से। अब वो क्लेम अपना अपना है, उसमें कोई बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बस्तर की जनता को बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वहाँ उनसे आह्वान किया है, तो नरेंद्र मोदी जी जो जांगला भी गए थे, उन्होंने देश की बड़ी योजना की शुरुआत वहाँ से की थी, तो संशय नहीं है इस विषय पर कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने वाली है। तो देखिए, आप सोचा नहीं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने वाली है, दम भरते हुए डिप्टी सीएम यहां पर नजर आए हैं। और इसी तरीके से आपको अलग अलग जो जगहों की तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं। ललित, बहुत महत्वपूर्ण है अलग अलग तस्वीरें दिखाना, ताकि सबको ये जानकारी लग पाए कि कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए वोट करना, और जरूर करना है। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान जारी है, और अब अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए, सुबह 11 बजे तक के जिस तरह के आंकड़े आए हैं, मध्य प्रदेश में 30.46% वोटिंग हुई है। वो भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। बालाघाट की अगर बात कर ली जाए 35.64%, छिंदवाड़ा में 32.51%, जबलपुर में 27.41% वोटिंग हुई है। तो वही मंडला का भी हम जिक्र करेंगे, जहां पर 32.03% वोटिंग शेड्यूल के बाद जहां 29.57% मतदान हुआ है। सीधी में अभी तक जो मतदान हुआ है वो 26.03% है 11 बजे तक का, जो प्राप्त जानकारी, थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं। शेड्यूल में ये परसेंटेज 29.57 है, जबलपुर में 27.41 है, मंडला में 32.03 है, मंडला में 32.03, बालाघाट में
ये 35.64 है, 35.64, और छिंदवाड़ा में ये 32.51 है, मतलब 6 संसदीय क्षेत्रों का। तो आप देखिए, जगह जगह पर हमने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, और सुकमा की बात, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, नक्सल प्रभावित इस इलाके में लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। सुकमा के एसपी किरण चौहान ने बताया है कि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लोगों को प्रशासन पर भरोसा है, इसीलिए बिना डर के लोग यहां वोट डालने पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, गोद में मासूम बच्चे को लेकर वोट डालने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। मेरे साथ सुकमा एसपी किरण चौहान है। सर, सुबह से मतदान हो रहा है और काफी नक्सल इलाकों में लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। सर, एक बताना चाहूंगा कि पूरी लगभग 100 के आसपास कंपनी सीआरपीएफ की और जिला बल एसटीएफ डीआरजी कोबरा, इनको डिप्लॉय किया गया है पूरा अंदरूनी इलाके में। पूरा ऑपरेशंस के लिए टीमें निकली हुई है, उसकी वजह से नक्सली मतदान दलों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और वो जो सुरक्षा की जो भावना जनरेट हो रही है उसकी वजह से काफी ज्यादा संख्या में यहाँ के जो ग्रामीण नागरिक है वो। उमरिया की बात करेंगे, उमरिया जिले के आधा दर्जन गांवों में मतदान को लेकर उदासीनता भी सामने आ रही है। जिले के खामोशी, कसेरू, बमेरा, असोड़, कुठुलिया, अमलिया गांव के मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का लोग यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। प्रशासन ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ये सभी पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन विरोध के सुर लगातार ऊंचे हैं। जो 18 साल का मानवर हो जाता है, उन मतदाता सूची में नाम होता है, तभी वो भारत का नागरिक कहलाता है। हमको नागरिकता प्राप्त है श्रीमान जी। बहुत सारी घटनाएं, जो 18 साल का मानवर हो जाता है, उन मतदाता सूची में नाम होता है, तभी वो भारत का नागरिक कहलाता है। हमको नागरिकता प्राप्त है श्रीमान जी। बहुत सारी घटनाएं, और चलिए अब एक बार फिर आपको वोटिंग परसेंटेज बता दें किस तरह से तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम बात करेंगे, जिस तरह से सुबह से हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश में 30% से ज्यादा ही पहुंच चुका है। सीधी की लेकिन बात कर ली जाए, सीधी में किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, 23.57% वोटिंग यहां पर हो चली है। सीधी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तेजी से घरों से निकलने की जरूरत है। सीधी में अब तक अगर मतदान की बात कर ली जाए 23% से ज्यादा। शहडोल की बात कर ली जाए, आदिवासी बाहुल्य सीट, 24.75% यहां पर वोटिंग अब तक हो चली है। हालांकि धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है और सूरज और गर्मी भी एक बड़ा फैक्टर है। जबलपुर संस्कारधानी 23.24 लोग अब तक वोट पहुंच चुके हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। यह इस वक्त का वोटिंग परसेंटेज संस्कारधानी का। और अब बात मंडला की कर ली जाए, आदिवासी बाहुल्य सीट, 26.08% मतदान यहां अब तक हो चुका है। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये जो आंकड़े आ रहे हैं। सूरज की गर्मी बढ़ रही है, बालाघाट की बात कर ली जाए 27%। सूरज के साथ साथ सियासत की भी गर्मी बढ़ रही है, आप जब बाहर निकलेंगे तो सियासत की भी गर्मी काबू में रहेगी, इस वजह से आपको निकलना जरूरी है। छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए, 25.12% मतदान यहां अब तक हो चला है। दोनों ही जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो अपने अपने तरीके से इन परसेंटेज को देख रही है। छिंदवाड़ा का एक बार हमने आपको बताया किस तरीके से आंकड़े हैं, अलग अलग जगहों के आंकड़े हैं, अलग अलग जगहों में किस तरह से वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले बार के वोटिंग ट्रेंड्स क्या रहे वो भी हम लगातार कंपेयर करके आपको बताते हैं कि किस तरह से वोटिंग हुई है। तो अब ये आपने देखा, और अब बात कर ली जाए कि सबसे बड़े लड़ैया दरअसल इस मैदान के हैं कौन। 7 सीटें हैं, हॉट सीट भी हमने आपको बता दी। बड़े लड़ैया कौन है मैदान में, कौन कौन है, देख लीजिए। सीधी से राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल हैं, लेकिन सीधी में जो फैक्टर इसे पेचदार बना देता है वो है भाजपा के बागी। लेकिन पुराने इतिहास को देखा जाए तो बागी बहुत काम कर नहीं पाए हैं। केदार शुक्ल आपको याद होंगे, विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए। राजेश मिश्रा पे बीजेपी का भरोसा, कमलेश्वर पटेल कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। ये टाइट फाइट है, लड़ैया हैं जिन्होंने एक दूसरे के सामने चुनौती पेश की है। शेड्यूल हिमाद्री सिंह हैं, राज परिवार से आती हैं,
कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को हैं। बहुत दिलचस्प बात मैं शेड्यूल के बारे में आपको बता दूं, 500 मीटर में आसपास रहते हैं, पहाड़ वाले कह रहे हैं जीते कोई, पहाड़ पे तो मिठाई बटेगी ही बटेगी। 500 मीटर के आसपास इनका घर है, हिमाद्री राज परिवार से आती हैं, पिता माता दोनों कद्दावर कांग्रेसी रहे। फुंदेलाल मार्को इन्हें कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है, दोनों ही पहाड़ के रहने वाले हैं। जबलपुर की बात कर ली जाए, संस्कारधानी आशीष दुबे बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, संगठन में काम करने का तजुर्बा है। इसके अलावा दिनेश यादव किसान संगठनों में इनकी अच्छी पकड़ है, ये चुनावी मैदान में है, पहली बार ये दोनों मुकाबले में हैं। और जबलपुर की बात कर ली जाए, महाकौशल का केंद्र बिंदु आप इसे कह सकते हैं, उस महाकौशल का जहां कमलनाथ के वर्चस्व के तौर पर इस इलाके को देखा जाता था। मंडला की बात कर ली जाए, ये भी एक टफ फाइट है, फग्गन सिंह गुलस्ते कद्दावर नेता है, वन टू वन कम्युनिकेशन जैसे दादी का कवासी लखमा का रहता है उस तरीके का इनका है, लेकिन ओमकार सिंह मरकाम मृदुल छवि सॉफ्ट व्यवहार वो हर बार यही बोलते हैं। और ये दोनों हमारे खास प्रोग्राम चुनाव एक्सप्रेस में पहुंचे थे, एक मंच पर पहुंचे थे, बहुत विनम्रता से ओमकार मरकाम ने प्रणाम भी कर लिया, अपनी बात भी कह दी, उसी तरह से फग्गन सिंह गुलस्ते हैं। टाइट फाइट में आप इसे देख लीजिए, इस सीट पर आपको जरूर नजर रखनी है। बालाघाट की सीट डॉक्टर भारती पारधी यहां से मैदान में है और सम्राट सारस्वत यहां से मैदान में हैं। बालाघाट की सीट थोड़ी सी दिलचस्प इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें छोंक लगाने का काम कर रहे हैं, मुंजारे हैं, पुराने राजनेता रहे हैं, कांग्रेस से भी ताल्लुक रहा है, बसपा की सीट पर ये मैदान में हैं। छिंदवाड़ा ये सबसे हॉटेस्ट सीट जिस पर सभी की निगाहें हैं, एक पार्टी चाहती है कि जो उसका सालों का वर्चस्व वो कायम रहे, दूसरी पार्टी चाहती है कि मौका मिलना चाहिए। छिंदवाड़ा कमलनाथ की परंपरागत सीट रही है और अब उसी छिंदवाड़ा से उनके बेटे जो सिटिंग एमपी हैं उन्हें फिर से मौका दिया गया। बस्तर इस सीट पर भी नजर रखनी है, महेश कश्यप, ऐसा लगता जरूर है कि महेश कश्यप पहली बार चुनाव मैदान में, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए जबरदस्त है, कवासी लखमा उनकी कैंपेनिंग के तरीके और लोगों से मिलने जुलने से आप समझ जाएंगे कि कवासी लखमा किस कदर जो कद्दावर नेता हैं। और कैंपेनिंग के दौरान उनके जो कैंपेनिंग के दौरान आपने उनके बयान भी सुने, कई बयान विवादों में भी रहे। ये वो सात सीटें हैं जिन पर अभी पहले चरण में वोटिंग लगातार चल रही है। बहुत खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, गुंजन चौक से बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, बहुत स्वागत अजय गंगवानी साहब आपका भी, बहुत स्वागत, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बारीक लकीरों को बहुत सीधे तरीके से हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। गुंजन जी, कॉन्फिडेंट तो खैर आप लगातार रहते हैं, बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपका हमेशा चर्चाओं में रहता है, जानना हम ये चाहेंगे क्या कहीं कोई चुनौतियां हैं, छिंदवाड़ा कोई चुनौती नजर आती है, मंडला कोई चुनौती नजर आती है, सीधी कोई चुनौती नजर आती है, आपका फर्स्ट कमेंट फिर अगला सवाल। जी देखिए, चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 10 साल का विकास का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी के पास और 25 साल का फ्यूचर का विजन है भारतीय जनता पार्टी के पास, जनहित में लिए हुए फैसले हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और आने वाली पीढ़ी को देने के लिए कई उपहार है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ये जो विकसित राष्ट्र 2047 की संकल्पना है भारतीय जनता पार्टी के पास, पार्टी आगे बढ़ा और वो गिनाती कांग्रेस की बातें हैं। गुंजन जी मैंने आपको कांग्रेस की तो बुराई गिनाई नहीं है, मैंने आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ गिनाई है। देखिए, मैं यही शायद भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जनता के विजन, जनता के विकास और जनता की सेवा की बात करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हम बार बार इसलिए दोहराते हैं क्योंकि ये हमारा मोटो है, इसे हम अमल करते हैं। जिस तरह हम अंत्योदय में यकीन रखते हैं, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की भी कल्याण की बात अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। विरासत और विकास दोनों की अगर किसी ने बात की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जिस तरह 500 वर्ष के संघर्ष के बाद एक राम मंदिर का निर्माण अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसी तरह जिस तरह हम विरासत को बचाते हैं, सनातन को बचाते हैं, विकास की बात आपको टोक कर एक ऑन करना चाह रहा हूं, फिर रीनू का अगला सवाल रहेगा, वो एड ऑन ये अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक का उदय पर आयतित कांग्रेस नेताओं के चलते हम कब देखेंगे कि गुंजन चौक से मध्य प्रदेश विधानसभा जा रही हैं, दिल्ली की संसद जा रही हैं, अंत्योदय के चक आयात जो किया गया उससे कैसे अंत्योदय होगा?
देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंक्ति में तीसरी पंक्ति में बैठे हुए एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश में। और आपने और हम सबने देखा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जिस तरह मुख्यमंत्री जी का दर्जा दिया गया है वो कार्यकर्ताओं को दिया गया है। विकासवाद पर चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन परिवारवाद का उदाहरण मैं आपको छिंदवाड़ा कहना चाहूंगी। आप लोग आज सुबह से कह रहे हैं हॉट सीट छिंदवाड़ा है, तो उस हॉट सीट पर एक ही परिवार का कब्जा क्यों? मेरा सवाल है आज आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व से और कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता से जिसने इतने वर्षों की तपस्या की होगी, लेकिन क्या कोई और कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं था छिंदवाड़ा के लिए? क्यों कमलनाथ जी के 45 वर्षों का सिर्फ गुणगान होता है और प्रतिनिधि के तौर पर गुंजन जी की परिवारवाद की एक बहुत बड़ी छाप लगी हुई है कांग्रेस में, और छिंदवाड़ा बहुत बड़ा उदाहरण अभी है आपके सामने। लगातार बीजेपी का गजब का आत्मविश्वास से लबरेज, और उसके बावजूद कांग्रेस कहती है कि कोई चुनौती नहीं है। गुंजन जी देखिए, ऋतु जी गुंजन जी की बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मेरे ललित जी ने बहुत अच्छे प्रश्न उनसे पूछे, लेकिन प्रश्नों से भागते हुए चर्चित रहे। आज उनसे पूछिए भैया 10 साल में आपने क्या क्या, मेरी छोटी बहन एक बात कर रही थी, 10 साल में क्या किया है गुंजन जी? मेरा निवेदन है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा निवेदन आप अपने बारे में जरूर बोलेगा। देखिए मैं मुद्दे पर बात करूं, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा भी था, ये मेरी छोटी बहन गुंजन जी का नारा है। मुझे बता दीजिए क्या 100 दिन महंगाई कम हो गई, क्या देश का विकास है? देश में दिन 55 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़, 4 गुना बढ़ गया, क्या देश का विकास है? आज कहीं ना कहीं देश में जो ऋण बढ़ गया, उसके अलावा डॉलर का जो मूल्य था वो आज 83 के पार हो गया। ये मोदी जी कहा करते थे रुपए का मूल्य जितना गिरता है उतनी केंद्र की सरकार भ्रष्ट होती है, क्या ये देश का विकास है? मणिपुर में 1 साल से हिंसा जारी है, माननीय मोदी जी जाना नहीं चाहते ना इस शब्द कहते हैं, क्या देश का विकास है? पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ कर दिए, क्या देश का विकास है? पहलवानों का यौन शोषण होता है, क्या ये देश का विकास है? 45 साल से बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, क्या ये विकास है? तो विकास की परिभाषा क्या है सबसे पहले गुंजन जी स्पष्ट करें। दूसरी बात, मोदी गारंटी की बात करें, आप देश में भैया मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, मोदी गारंटी, क्या 15-15 लाख आ गए, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए, क्या 5 दिन में महंगाई कम हो गई, क्या 35 रुपए पेट्रोल मिल गया, क्या 2022 तक किसानों के दुगनी हो गई, क्या रिपोर्ट लागू हो गई, क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई, क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? तो ये बाबा खिलाफ के जो चरित्र है ललित जी, रीता जी, ये देश की जनता समझ रही है। कार की आंधी कितनी बार चढ़ा के भैया, 2 बार आपने धोखा दे दिया देश की जनता को, अब देश की जनता मौका नहीं देने वाली। 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय है। मेरा नाम रीनू है, कंफर्म कर रही हूँ आपको। दरअसल कभी आपने सुना है कि महंगाई कम भी होती है? महंगाई हमेशा हर सरकार में तो महंगाई बढ़ी ही है, और अब तो ये सीधा वास्ता महंगाई का बढ़ने से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, कभी कम होती नहीं है। अभी हम जगदलपुर का रुख करेंगे, श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, क्या ताजा तस्वीरें आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल, बस्तर में जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया जारी है। जगदलपुर के जो विधानसभा था वहां पर जो लोग थे 6 बजे से जो जुटे थे, 7 बजे से मतदान था, वहां जगदलपुर शहर में काफी अच्छा मतदान देखने को मिला। तो वहीं अभी न्यूज 18 की टीम चित्रकूट विधानसभा में मौजूद है, और यहां का जो मतदान का समय है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे का समय है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मतदान केंद्र है, यहां पर जो लोग हैं पहुंचे हैं मतदान केंद्र, मतदान कर वापस लौट आए, तो कह सकते हैं अब कुछ ही समय शेष बचा है चित्रकूट विधानसभा का, 3 बजे तक समय है, इसके बाद यहां का मतदान खत्म हो जाएगा। तो अब देख, तो धीरे धीरे जो मतदाता है पहुंचे हैं और मतदान किए हैं। पोलिंग सेंटर की बात करूं तो पोलिंग सेंटर में अभी फिलहाल खाली है, लोग सुबह से पहुंच के अपना मतदान कर चुके हैं, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है, धूप का समय है, तपती धूप में लोग पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन सुबह ही अपना मतदान कर वापस लौट आए हैं। अभी अभी जो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैजी ने भी अपना मतदान किया है, तो कह सकते हैं कि बस्तर में जो मतदान का जो प्रतिशत है अब शाम 5 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा कितना होगा, लेकिन मतदान को लेकर लोगों में काफी जागरूकता दिखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल श्रीनिवास, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी भी जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत है। मनीष जी, सीधे बड़े मुद्दे जो होते हैं, राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, उनको देखा जा रहा है, उन्हीं को लेकर बीजेपी लगातार चर्चाएं भी कर रही हैं, क्षेत्रीय मुद्दे उन बीच में गायब हो जा रहे हैं। एक बार समझना चाहेंगे कि क्या राष्ट्र के मुद्दों के दम पर ही पूरा चुनाव टिका हुआ है?
देखिए लोकसभा का चुनाव वैसे तो संसद के लिए है और इसलिए राष्ट्रीय विधानसभा के मुकाबले या क्षेत्र के मुकाबले वो हमेशा भारी पड़ते रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखें तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस रहा है वो मोदी पे रहा है और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी गौड़ हो जाते हैं, कुत्ते गौड़ हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी पर पेज केंद्र सरकार की उपलब्धियां ये प्रमुख प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सामने लेकर के आते हैं और उन्हीं के आधार पर ये लोकसभा में प्रत्याशियों को उतारा जाता है। अब मैं अगर बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो जो भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे हैं और उसके आधार पर जो है उन्होंने नमो की नाव पर सवार होकर के अपना चुनावी कैंपेन पूरा किया। आज भी जिस तरीके से बस्तर के हालात हैं, 8 विधानसभाओं में 3-3.5 विधानसभाएं पूर्ण नक्सल प्रभावित है, अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों ने जो टारगेट किलिंग की थी उसके चलते कार्यकर्ता अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, अर्बन एरिया और जो कस्बाई इलाके हैं वहां पर आज भी जो मतदाताओं के बीच में अगर आप बात करेंगे तो मुद्दे कम और नमो मंत्र या नमो की जो उपलब्धियां हैं वो उनका गुणगान ज्यादा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव की जो तासीर है वो बदल चुकी है और अब पूरा फोकस सेंट्रलाइज लीडरशिप और सेंट्रलाइज मुद्दों पर हो रहा है और लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि जो क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं जो कि केंद्र के द्वारा पूरे होने हैं वो मुद्दे भी गौड़ हो गए हैं जिनसे यहाँ की जनता लंबे समय से रूबरू होती रही है, जो प्रॉब्लम झेलती रही है वो चीजें भी आज खुलकर के सामने नहीं आ रही। इसका एक जी मनीष जी एक चीज और है, एक पहलू और भी है जिसके तरफ आपकी बात से मैं उसे एड ऑन करना चाह रहा हूं। क्या ठीक है हम तो फला के चेहरे पर जीत रहे हैं तो फिर हमें काम करने की जरूरत क्या है, फिर हम ये भी कर सकते हैं कि आप एक काम करिए धर्म के बारे में पढ़िए, आप धर्म के बारे में पढ़िए, कर्म के बारे में क्या है, या नक्सल एरिया में नेटवर्क को लेकर क्या है, या माड़ अभी भी अबूझ माड़ ही है हमारे लिए। आएंगे आपके पास, रुकेंगे यहाँ पर क्योंकि बालाघाट से एक बड़ी खबर आ रही है। बालाघाट के कटंगी में ईवीएम खराब हो गई है, कटंगी के नांदी बूथ नंबर 1 की ईवीएम खराब हुई है, 11:55 पर बंद है ईवीएम और इसी समय से बंद ईवीएम, मशीन ठीक करने के लिए बाहर की टीम बुलाई गई है और बाहर की टीम आ रही है, मशीन ठीक करेगी उसके बाद दोबारा से मतदान शुरू हो पाएगा। तो बालाघाट के कटंगी में ईवीएम खराब हुई, कटंगी के नांदी बूथ नंबर 1 का पूरा मामला है जहां पर ईवीएम खराब हुई, हालांकि जो टेक्नीशियंस उनको बुलाया गया है ताकि इसे ठीक किया जा सके वक्त पर और दोबारा से मतदान शुरू किया जा सके। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वो अब तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे, अपडेट भी देंगे, ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आज पूरे दिन टेलीविजन पर नजर आने वाले हैं और साथ ही अपडेट के साथ वो आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो कि तैयार है सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और यहां से पोलिंग बूथ पर क्या चल रहा है, वोटर्स का क्या कहना है, सुबह सुबह कौन सा बड़ा नेता पहुंचा है मतदान केंद्र, किसने पहले वोट डाला, ये तमाम तस्वीर आप तक ये हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे, बस्तर हो या फिर जबलपुर हो, सीधी हो, मंडला हो, शहडोल हो, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहां पर कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और हर अपडेट सबसे पहले हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, युगल आज पहला चरण बस्तर में आज वोट डाले जाने हैं, किस तरीके का माहौल, क्या तैयारियां वोटरों से